अल्लाह एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लाग तो कैसी हैं आप सब उम्मीद के ठीक ठाक होंगी और इस सर्दी के मौसम में खूब पकोड़े-शिकोड़े इन्जॉय कर रही होंगी हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा आजकल ठंड है और कल तो पूरा ही दिन इतना डिप्रेसिंग मौसम था सारा दिन से इसे क्लाउडी वैदर था और बहुत ज़्यादा मुझे तो डिप्रेशन होता है जब इस तरह का वैदर हो और धूप ना हो Uh, अगर क्लाउडी uh, वेदर होना तो उसमें मुझे इवन कि बारिश तो जब गर्मी होती है तो बारिश का मौसम मुझे अच्छा लगता है लेकिन बस एक दिन काफ़ी होता है जब वो सारा दिन या दो दिन या तीन दिन तक बारिशें ही लगी रहती है ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा uh, जो है वो मैं डिप्रेस हो जाती हूँ और uh, अभी भी uh, धूप कम कम निकल रही है तो मुझे बहुत ज़्यादा ना कुछ काम करने का दिल करता है कुछ भी करने का दिल नहीं करता जो ज़रूरी काम है ऑब्वियसली वो तो करने ही होते हैं और ज़्यादातर विंटर में यही होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ खाने पकाने में ही ज़्यादा लगे रहते हैं कभी चाय चल रही होती है कभी कॉफ़ी कभी पकोड़े और कुछ खाना पीना ही चल रहा होता है क्योंकि विंटर्स में ये होता है कि हम लोग जो है वो पानी भी कम पीते हैं और ठंड में इंसान को अपने जिसम को वार्म रखने के लिए कुछ ना कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो मेकेनिज़्म है हमारे बॉडी का वैस वो ऐसे ही चलता है तो अभी मैं बनाने लगी थी खाना बना रही थी तो हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे कॉफ़ी बना के दो पहले तो एक दफ़ा नाश्ता होता है नाश्ते के कुछ एक दो घंटे के बाद फिर से कभी चाय या कॉफ़ी जो है वो चलती है तो अभी हस्बैंड कह रहे थे मुझे कॉफ़ी बना के दो तो वैसे जो है ना मैं कॉफ़ी हस्बैंड के लिए जो बनाती हूँ उनको सिंपल से दूध को बॉईल करके और उसमें कॉफ़ी डाल के ना थोड़ी देर के लिए मैं पकाती हूँ और बस उसमें ही थोड़ी चीनी डाल के और वो दे देती हूँ लेकिन आज मुझे इस तरह से कॉफ़ी जो है वो ब्लेंड करके पसंद होती है तो मैंने सोचा कि उनके लिए भी ऐसी ही बनाती हूँ तो उनको इस तरह से पसंद नहीं आई थी लेकिन मुझे इस तरह की फ्रॉथी कॉफ़ी जो है ना वो बहुत पसंद है लेकिन हस्बैंड को पसंद नहीं है तो मैंने अभी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा इसमें तुमने जो है वो इसको कड़वा कर दिया है इसमें कॉफ़ी तुमने ज़्यादा डाली है तो मुझे थोड़ी कड़वी कॉफ़ी ही पसंद है कॉफ़ी जो है बेसिकली कड़वी ही, ही होती है तो लेकिन वो कह रही थी कि तुमने कॉफ़ी ज़्यादा डाली है तो इसको तुमने कड़वा कर दिया तो बस अभी मैं उनको जो ट्रेडिशनल हमारा तरीका है जो जिससे मैं बनाती हूँ जिस तरह से हम दूध में ही कॉफ़ी ऐड कर देते हैं उसको थोड़ी देर पकाते हैं तो वो भी मज़े की होती है लेकिन मुझे इस तरह से बहुत क्रीमी क्रीमी सी बहुत मज़े की लगती है इस तरह से लेकिन मैं अपने लिए अगर बनाऊँ तो ऐसी बनाती हूँ लेकिन हस्बैंड के लिए अभी ऐसे नहीं बनाऊँगी अभी वही जो तरीका है हमारा उसी से ही मैं उनके लिए बनाया करूँगी और उसके अलावा आजकल पकोडे शकोड़े भी चल रहे हैं तो इसी वजह से विंटर्स में ये होता है कि हम वेट गेन भी कर लेते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ जो वो खाना पीना ही चल रहा होता है और विंटर में ये है कि काम शाम भी इतना ज़्यादा बंदे का करने का दिल नहीं करता लेकिन ऑब्वियसली फिर भी काम शाम तो घर के आ, करने ही होते हैं तो हस्बैंड जो है वो आ, काम करवा रहे थे कुछ घर का घर की मेंटेनेंस जो है ना घर बना लेना तो इतना बड़ा वो नहीं है टास्क लेकिन उसको मेंटेन रखना बहुत ही बड़ा टास्क है जो कि एक अकेली औरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा जो काम होता है ना वो मर्द का होता है जिन लोगों के घर जो है वो मेंटेन होते हैं उसमें मर्द का बहुत बड़ा हाथ होता है क्योंकि जिस तरह से अभी घर में काफ़ी सारे जो काम होते हैं ना वो मर्दों ने ही करवाने होते हैं अगर मर्द उसमें साथ ना दे तो वो उस तरह से घर जो मेंटेन नहीं रह सकता तो हमारा घर जो है वो माशाल्लाह से मेंटेन इसलिए होता है कि मैं तो बस ये कि औरत जो होती है वो क्या कर सकती है वो थोड़ा सा ऐसे डेकोरेशन कर सकती है और उसके अलावा सफ़ाई कर सकती है खाना पकाना बच्चों को देखना ये औरत के ज़िम्मे होता है लेकिन घर को मेंटेन रखना जिस तरह से ये होता है कि हमारे कोई बोर्ड जो है वो हालाँकि अभी न्यू ही हमारा घर बिल्ड हुआ है लेकिन हमारे घर में काफ़ी सारे इस तरह बोर्ड्स थे जो ये बिजली वाले जो बोर्ड है वो काफ़ी सारे थे उनमें जो है वो काम नहीं कर रहे थे उसमें चार्जिंग वगैरह नहीं लग रही थी तो हस्बैंड को माशाल्लाह से उनको बहुत होता है कि हर एक चीज़ जो घर में मौजूद है ना वो वर्किंग में होनी चाहिए जो चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही यूज़ नहीं हो रही उसका कोई फ़ायदा नहीं उसको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए तो माशाल्लाह से जो भी घर में कोई ना कोई मसला हो इवन के जिस तरह छोटी मोटी चीज़ें भी होती हैं ना तो वो जो है उसको साथ, 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 साथ करवाते रहते हैं और उसके अलावा इसको डेकोर भी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक़ है माशाल्लाह से तो वो घर की डेकोरेशन का भी वही करते रहते हैं तो मुझे सब लोग बोलते हैं कि ज़्यादा औरतों को शौक़ होता है तुम्हें शौक़ नहीं है तो असल में बात यह है कि मेरा जो शौक़ जो है ना वो वो ही पूरा कर देते हैं तो मुझे इस मामले में मैं कहती हूँ कि मैं उन पे ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस उनमें इस मामले में ज़्यादा है मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मैं कहती हूँ कि वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं तो बस फिर मैंने सब कुछ उन्हीं पे ही छोड़ा हुआ जैसे वो करते हैं जैसे वो डेकोरेट कर रहे हैं तो मुझे बस उनकी पसंद में ही मेरी पसंद होती है लेकिन ना वो मुझसे मशवरा ज़रूर लेते हैं मुझसे पूछते हैं कि इसको कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए ऑल्डो कि वो ज़्यादातर अपनी ही बात मानते हैं <laughs> लेकिन मुझसे मशवरा वो हर एक चीज़ में ज़रूर लेते हैं तो अगर उनको मेरा मशवरा पसंद आए तो वो करते भी ज़रूर हैं और जिस तरह से अभी हम लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि प्लांट्स वगैरह हमने अपने रूम में रखे हैं क्योंकि रूम में एसी हम लोग चलाते हैं तो उसकी वजह से रूम में बहुत ज़्यादा खिड़कियां दरवाज़े सब बंद होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हब्स भी हो जाती है तो उसको फ़िज़ा को जो है वो उसमें ऑक्सीजन के लिए और उसको हवा को तरोताज़ा रखने के लिए प्लांट्स जो है वो हमने अपने बेडरूम में रखे हैं तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी इस वीडियो में तो नहीं दिखाई नेक्स्ट में मैं ज़रूर दिखा दूंगी या नेक्स्ट में ना दिखाया तो फिर किसी वीडियो में दिखा दूंगी कि हम लोगों ने अपने बेडरूम में रखे हैं जो बहुत इनडोर अच्छे प्लांट्स है ना उसमें स्नैक प्लांट है नंबर वन पे और इसके अलावा मनी प्लांट है और एक और प्लांट है वो मुझे उसका नाम नहीं पता तो वो जो है ना इंडोर के लिए बेस्ट है तो कहते हैं कि जो स्नैक प्लांट है ना उसको तो अपने आप बेड के पास रख के जो है वो सोएँ बहुत ही बेस्ट है वो तो बेडरूम में भी रखे हैं दूसरे रूम्स में भी रखे हैं और उसके अलावा मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक है गार्डनिंग का प्लांट्स का तो इनकी एक फ्रेंड है जिनकी नर्सरी है पाक फूल नर्सरी के नाम से तो आ, ये वहाँ पे आ, फूल वगैरह पौधे लेने ही गए थे तो उनसे इनकी दोस्ती हुई थी तो तब से उनके बेस्ट फ्रेंड बन गए और क्योंकि ये पौधों के एक्सचेंज करते रहते हैं कभी कोई पौधे भी ऐसे बच्चों की तरह होते हैं तो उनके साथ कोई मसला हो जाए तो उनको चेंज करना पड़ता है देखना पड़ता है हम लोगों को भी बहुत सारी बातें है, जो हैं वो अभी Uh, काफ़ी एक्सपीरियंसेस के बाद पता चला है कि इंडोर प्लांट्स को किस तरह से अच्छे से हम ग्रो करा सकते हैं काफ़ी सारे पौधे हमारे इसमें मर भी गए थे और काफ़ी हमने चेंज भी किए हैं तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस करने के बाद से हम लोगों को ये चीज़ें पता चली हैं तो यहाँ पे मैंने साथ में बना रही थी जो वीडियो में जो कुछ चल रहा है अभी उसकी तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे मैं बना रही थी Uh, मैं सैलड बना रही थी तो सैलड में मैंने मिक्स सैलड बनाया था और उसमें साथ में दही और थोड़ा मेयोनीज़ वगैरह ऐड कर से करके उसको थोड़ा सा ना मेयोनीज़ ऐड करने से यह कि थोड़ी सी उसमें स्वीटनेस आ जाती है तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं वैसे तो बच्चे शौक से सैलड जो है वो नहीं खाते तो अभी ये छोटा बेटा मुझे इसने ये अपना पुराना एक पड़ा हुआ था जब ये साल का था या दो का था तो ये इसमें दूध वगैरह या पानी पीता था दूध तो मैंने बच्चों को इस तरह से फीडर तो बिल्कुल हमने दिया ही नहीं है और वो अच्छा भी नहीं होता तो कप वगैरह में ही पीता था तो ये कप मैंने इसके लिए मंगाया था पानी वगैरह के लिए वैसे ही शौक़ शौक में ले लिया था तो अभी इसने देखा तो पड़ा हुआ था तो ये कह रहा था मम्मा मुझे इसमें दूध डाल दें तो मैंने इसको दूध डाल दिया और अभी हमारा सैलड भी रेडी हो गया है और ये मैंने अपने लिए बनाए थे वेजिटेबल के पकौड़ा इसमें बहुत ही थोड़ा मैंने बेसन ऐड किया था और बाकी सारी वेजिटेबल्स थी तो मैंने अपने लिए पकौड़े बना लिए थे और अभी यहाँ पे जो हमारा ये किचन में ही ये फ़ैन है ना किचन में गर्मी के लिए हमने लगाया हुआ था कि गर्मी के टाइम किचन में काम करना पता ही है कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है तो इसकी हालत भी आप चेक कर लें वैसे तो ये होता है कि जब गर्मी का मौसम ख़त्म हो जाता है जब फ़ैन वग़ैरह यूज़ नहीं हो रहे होते तो इनको हम प्लास्टिक वगैरह चढ़ा के ना तो फिर हम कवर कर देते हैं तो इस तरह से गंदा नहीं होता लेकिन इस दफ़ा इसके ऊपर प्लास्टिक नहीं चढ़ाया था तो इतना शदीद ये गंदा हो गया था और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि इसको मैं जो है वो साफ़ करूँ तो अभी फ़ाइनली इसको मैंने खोला और कोशिश की कि इसको किस तरह से साफ़ किया जाए तो फिर इस तरह से तो नहीं हो रहा था क्योंकि इतनी तहें इसके ऊपर चढ़ चुकी थी फिर उतार के उसको किया था और अभी मैं बच्चों के लिए यहाँ पे बना रही थी मैक्रोनीज बना रही थी तो मैंने सोचा कि वाइट सॉस में बना लेती हूँ और कोई चिकन वगैरह तो मेरे पास नहीं पड़ा हुआ था तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी वेजिटेबल्स वग़ैरह ऐड करके और वाइट सॉस में ही बना लेती हूँ ताकि थोड़ा सा क्विक भी बन जाएगा और मज़े का भी बन जाएगा तो वैसे तो बच्चे जो है ना वेजिटेबल्स इतनी शौक़ से खाते नहीं हैं फिर मैंने इसको छोटी छोटी वेजिटेबल्स कट करके डालती हूँ फिर उनके लिए उसको निकालना मुश्किल हो जाता है बस फिर वो कहते हैं कि कौन अभी इतने छोटे छोटे पीसेस निकाले तो फिर इस तरह से बच्चे खा ही लेते हैं और जब छोटे पीसेस हो ना तो उनका टेस्ट भी इतना ज़्यादा बच्चों को पता नहीं चलता तो यहाँ पर मैंने मैदा थोड़ा सा देसी घी में थोड़ा सा एक टेबल स्पून मैदे को भुना था फिर उसमें मैंने दूध ऐड किया और फिर उसमें मैंने औरगैनो और काली मिर्च और चिली फ्लेक्स ऐड करके और बस फिर जो वेजिटेबल्स मैंने पहले फ़्राई की थी अलहदा से और वो सारी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और बस फिर मैंने इसमें मैक्रोनीस ऐड कर दिए थे और ये मैंने बनाए थे शाम के टाइम क्योंकि शाम के टाइम कुछ सालन जो था ना दिन के टाइम वो ख़त्म हो गया था तो शाम के टाइम मैंने सोचा कि बच्चों के लिए मैक्रोनीज़ बना लेती हूँ और यही मैं फिर बच्चों को सुबह के टाइम में लंच में भी दे देती हूँ तो बच्चे इस तरह की चीज़ें ना वैसे तो मैं बच्चों को लंच में सैंडविचेस वगैरह बना के देती हूँ लेकिन मैकरोनीज़ वग़ैरह भी कभी बना देती हूँ इस तरह की चीज़ें जो है ना बच्चों को अच्छी लगती हैं लंच में स्कूल में बस स्कूल में ही लंच में देती हूँ वैसे तो घर में आ, ऐसी चीज़ें तो मोर ऑफन नहीं बनती हमारे घरों में जैसे कि आप सबको पता ही है हम लोग इस तरह सिंपल सालन रोटी इस तरह सलाद वग़ैरह ये सब चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे मैं गाजरें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी और फिर मैंने दो किलो और भी मंगवाई एक डेढ़ किलो मेरे पास काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी तो फिर मैंने सोचा कि इतना यूज़ नहीं हो रही तो इनका हलवा बना लेती हूँ इसमें मैंने गाजरें जो है ना कुकर में मैंने इसको गला लिया था ऐसे ही बस उसके ऊपर से मैंने छिलका उतार के और बस मैंने इनको अच्छे से कुकर में ही थोड़ा पानी डाल के गला लिया था और फिर उसमें मैंने ये डेढ़ से दो किलो दूध बलाई समेत ही मैंने ऐड किया था और बस फिर मैंने इसको अच्छे से इसका मैंने पानी और जो दूध वगैरह था वो भी मैंने इसको खुश किया और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा बटर ऐड किया था और ये बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना वो हलवा हमारा तैयार हो गया था और ये बहुत ही मज़े का बना था बच्चों ने भी शौक़ से खा लिया था छोटे वाले ने नहीं खाया था वो बहुत चूजी है इस मामले में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि पंखा हमारा जो है था ना ये बहुत ही अच्छे से हमारा साफ हो गया था बहुत ही मुश्किल से ही साफ़ हुआ था गरम पानी में सर्फ डाल के और ये देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक तो ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़